सो गाइस जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि भाई फ्री फायर में यार ओबी अपडेट के बाद बहुत सारे लोगों का यार एक प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है कि हम लोग जब भी गेम खेल रहे हैं तो उनका गेम का जो भी पिन है वो तो नॉर्मल चल रहा है, लेकिन यार उन लोग जब भी ग्लू वॉल लगाते हैं तो ग्लू वॉल लगाते किसी और टाइम पर है लेकिन लगता किसी और टाइम पर है, जब भी हम लोग किसी भी बंदे को मारते हैं तो मारते किसी और टाइम पर लेकिन मरता किसी और टाइम पर है। और बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि आप लोग सामने वाले बंदे को तो 10 बार हेड मार चुके होते हो लेकिन यार बाद में पता चलता है यार आप ही खुद मर गए। इस तरह से फेक डैमेज वगैरह भी बहुत बार आता है और बहुत बार लूट वगैरह करने में भी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आता है, कोई भी सामान यार उड़ता नहीं है, उड़ता है तो बहुत ही ज्यादा लेट में। इस तरह से यार सब कुछ बहुत ही ज्यादा लेट होता है जिसके वजह से आप लोग अच्छी तरह से गेम प्ले नहीं कर पाते, गेम प्ले करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से भाई गेम खेलने का भी मन नहीं करता। तो यार ऐसे में आप लोग टेंशन बिल्कुल भी मत लो क्योंकि यार इसको देखते हुए मैं आज आप सभी लोगों के लिए बना रहा हूँ जिसमें आप सभी लोगों को यार ये प्रॉब्लम का 100% सोल्यूशन के बारे में बताने वाला हूँ जिसके आपको और कोई दूसरा यूट्यूबर बिल्कुल भी नहीं बताएगा। तो यार इसी बात पर भाई आप लोग यार ये वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करते ही रहना, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो क्या करो मेरे भाई, हम लोग यार इतने मेहनत करने के बाद सिर्फ आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाते हैं और आप लोग यार वीडियो को लाइक नहीं करते, गलत बात है। आप लोग इसी बात पर वीडियो को लाइक करके चैनल में नहीं होगा तो यार चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और आगे भी फ्री फायर रिलेटेड हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए। तो चलो अब इस बारे तो होते ही रहेगा, आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस बात करें कि आप लोग भाई जब भी गेम खेलते रहते हो तो आपको गेम में जो भी पिन है वो तो नॉर्मल दिखाता है लेकिन यार पिन बहुत ही ज़्यादा हाई चलता रहता है जिसकी वजह से भाई आप लोग जब भी ग्लू वॉल लगाते हो किसी बंदे को मारते हो या लूट वगैरह करते रहते हो तो यार सब कुछ यार बहुत ज़्यादा लेट होता है जिसकी वजह से भाई आप लोग यार गेम प्ले करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप लोग यार गेम प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करना चाहते हो तो यार ऐसे में आप लोग गेम के सेटिंग के अंदर आ जाना, आने के बाद यार यहाँ पर आप लोगों को रिपोर्ट नेटवर्क का इशू को ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको जो भी सेंड रिपोर्ट लिखा हुआ है उसको क्लिक करके भाई आप लोगों को यार रिपोर्ट को सेंड कर देना है। इस तरह से आप लोग जब भी खेलने आते हो तो आप लोगों को डेली का 2 से 3 बार इसको आपको करना ही करना है, और इसके बाद आपको ऊपर में एक और ब्राउजर का ऑप्शन देखने को मिलेगा तो उसको भी आप लोगों को क्लियर कैच कर देना है। और इसके बाद यार आप लोग गेम के डिस्प्ले सेटिंग के अंदर आना और यहाँ पर आप लोगों को जो भी ग्राफिक देखने को मिलता है उसको यार आप लोगों को स्मूथ या स्टैंडर्ड में सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि आप लोग जब भी मैक्स या अल्ट्रा में खेलते हो तो यार आप लोगों का पिन बहुत ही ज्यादा हाई होता है। तो अगर आप लोगों का पिन बहुत ही ज्यादा हाई हो रहा होगा तो आप लोग यार स्टैंडर्ड या स्मूथ में रहकर गेम खेलोगे तो यार आपका पिन काफी हद तक सही चलने वाला है। और इसके बाद यार ये तो गेम का सेटिंग हो गया, अब आपको बात करें गेम के बाहर क्या सेटिंग करना है। तो आप लोग यार जो भी गेम खेलते हो जैसे कि फ्री फायर या फ्री फायर मैक्स उसको आप लोग एफ इन्फो में आकर आप लोगों को यार गेम को एक बार क्लियर कैच कर देना, और इसको यार आप लोगों को डेली का यार 1 से 2 बार तो करना ही करना है आप लोग जब भी गेम खेलने आते हो। और इसके बाद यार आप लोग डाटा यूजिंग सेटिंग के अंदर चले जाना, और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को मोबाइल डाटा वाईफाई एंड बैकग्राउंड डाटा देखने को मिलेगा। तो यार तीनों को अगर आपके फोन में ऑन नहीं होगा तो आप लोग कर देना, करने के बाद यार आप लोग अपने फोन के सेटिंग के अंदर आना, और आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन देखने को मिलने वाला है तो इसके अंदर आप लोग चले जाना। जाने के बाद यार यहाँ पर आप लोगों को 2 सिम स्लॉट देखने को मिलेगा, तो आप लोग जो भी सिम से गेम खेलते हो उसके अंदर आप लोग चले जाना। जाने के बाद यार यहाँ पर आप लोगों को एक एक्सेस पॉइंट नेम का ऑप्शन देखने को मिलने वाला है तो इसके अंदर आप लोग आना, और यहाँ पर आप लोग यार जो भी सिम से गेम खेलते हो उसका यहाँ पर आप लोग को नेम देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो मेरे में जियो नेट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको जो भी एरो लिखा हुआ ऑप्शन देखने को मिला है उसको क्लिक करना, और इसके बाद आप लोग सबसे नीचे की तरफ चले जाना। जाते हो तो यहाँ पर आप लोगों को एक बैरियर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर भाई आप लोग यार फर्स्ट ऑप्शन को यार इसके अंदर आप लोग छोड़कर आपको नीचे में और जितना भी नेम देखने को मिला होगा और सब के आप लोग सिलेक्ट कर लेना। अगर आप लोग ऐसे करोगे तो भाई आप लोग यार जब भी गेम खेलोगे तो यार गेम में अगर आपका पिन अच्छा नहीं चलेगा तो यार किसी ना किसी सर्वर में तो भाई आप लोग यार नेटवर्क कनेक्ट हो ही जाएगा जिसके वजह से आप लोगों का गेम के अंदर काफी हद तक सही पिन चलने वाला है। और इसके बाद यार आप लोग इसको सेव कर लेना, सेव करने के बाद आपको एक और सेटिंग सर्च करना है वो है प्राइवेट DNS। तो प्राइवेट DNS आप लोग सर्च करते हो तो आपको DNS का सेटिंग देखने को मिल जाएगा, तो इसके अंदर आप लोग आ जाना। आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को थर्ड वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना, और यहाँ पर आप लोग एक DNS को डाल देना जो कि आपको वीडियो के स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा dns.edgard.com। तो जैसे आप लोग एक कोड को डालने के बाद यार सेव बटन को क्लिक करते हो तो यार उसके बाद आप लोग अपने फोन में आपको जो भी फ्लाइट मोड देखने को मिलता है उसके आप लोग एक बार ऑन एंड ऑफ कर लेना, बस आप लोग इतना कुछ कर लोगे ना। और अगर आपके फोन में भाई कोई भी सिस्टम अपडेट वगैरह आया होगा तो यार उसको भी आप लोग डाउनलोड करके अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना, बस आप लोग इतना कुछ कर लोगे। और इसके बाद आप लोग जाकर गेम खेलोगे तो भाई आपको यार गेम के अंदर जो भी पिन प्रॉब्लम देखने को मिला होगा वो काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा, इतना तो सॉल्व हो ही जाएगा कि आप लोग आराम से गेम खेल ही सकते हो। एंड इतना कुछ करने के बाद भी अगर आप लोगों के फोन में यार जो भी पिन प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होता तो ऐसे में भाई आपको यार लास्ट में आप लोगों का जो भी नेटवर्क है उसको चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप लोग यार जियो सिम से गेम खेल रहे होंगे एंड जियो सिम में आप लोगों को पिन प्रॉब्लम देखने को मिल रहा होगा तो ऐसे में यार आप लोग जियो सिम को चेंज करके आप लोगों के मतलब एरिया में जो भी सिम चल रहा होगा अच्छा जैसे कि एयरटेल हो गया आइडिया वो सब में आप लोगों को शिफ्ट करना पड़ेगा। या आप लोग अगर डाटा से गेम खेलते हो तो आप लोग यार वाईफाई वगैरह से गेम करके ट्राई करो, अगर नहीं चलता
रहता है, तो यार ऐसे में आप लोग लास्ट में अपना जो भी नेटवर्क है उसको चेंज कर देना, क्योंकि यार इसके अलावा आपको और कोई सा दूसरा ट्रिक बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। आप लोग दूसरा वीडियो को भी जाकर उठा के देखोगे तो यार सब यूट्यूबर यही सब ट्रिक को बताने वाले हैं, क्योंकि यार इसी सब ट्रिक से भाई सभी लोग यार जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रहा है, तो आपका भी हो जाएगा, आप लोग टेंशन बिल्कुल भी मत लो। तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही था, अगर आपको यार वीडियो के रिलेटेड और कुछ भी पूछना होगा तो आप लोग मेरे को ये वीडियो का कमेंट सेक्शन में बता देना, कमेंट बॉक्स सिर्फ आपके लिए खुला है। और अगर आपको यार ये वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिला होगा या वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो ऐसे में प्लीज मैं भाई आप लोग यार ये वीडियो एक लाइक करना मत भूलेगा, और चैनल नहीं होगा तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और आगे भी फ्री फॉर रिलेटेड हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए। तो चलो आप मिलते हैं हमारे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव गाइस, कीप सपोर्टिंग, शाम को स्ट्रीम में मिलेंगे, ओके बाय।